नमस्कार, आज मैं आपको गरारे में अपर पार्ट जॉइंट करना बताऊंगी। अपर पार्ट को हम दूसरी लैंग्वेज में नेकर भी कह सकते हैं, शॉर्ट नेकर। उसी की कटिंग और उसे जॉइंट करना दोनों को बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर अपर पार्ट के लिए मैंने, देखिए ये अस्तर का कपड़ा है, तो मैंने यहाँ पर इसको फोर फोल्ड में कट कर लिया है। मेजरमेंट मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये फोल्डेड साइड जो मेरी साइड है, ओपन साइड इधर की साइड है, तो इसकी जो फुल लेंथ है वो मैं यहाँ पे 40 इंच है। 40 इंच का मैं फुल लेंथ में बनाऊंगी। इसका जो घेरा है वो मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है, क्योंकि मेरे पास कमेंट में आया था कि हमें अपर पार्ट ज्वाइंट करना बताए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपर पार्ट को ही ज्वाइंट करना बताऊंगी। अब इसकी जो बाकी की मेजरमेंट है वो है, हिप यहाँ पर 40 इंच है, कमर 38 इंच है, जो थाई का जो नाप होता है वो यहाँ पर 20 इंच है। तो इस मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक और बात बता देती हूँ आपको, ये जो अपर पार्ट है शॉर्ट है, यानी नेकर वाला जो साइज होता है वही है। एक अपर पार्ट हम घुटनों तक बनाते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, शॉर्ट ही अपर पार्ट लिया है मैंने यहाँ पर। चलिए इस पे पहले हम नाप लगा लेते हैं। ये थाई तक का ही शॉर्ट रहेगा। तो देखिए जो हिप साइज होता है उसका फोर्थ भाग हम ले लेते हैं, वो फोर्थ भाग यहाँ पर 10 इंची है। उसके बाद में 3 से 4 इंची हम लूजिंग लेंगे, तो ये 10 इंची पर मैंने मार्क कर दिया। और ये देखिए 3 से और 4 इंची तक आप इसमें लूजिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंची की लूजिंग ली है। ये मैंने 16 इंची की लेंथ में रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट नेकर बना रही हूँ। शॉर्ट नेकर से ही हम घेरे को अटैच करेंगे। मैं बेल्ट लगाऊंगी, वो अलग से अटैच करूंगी, 2 इंची का वो भी इसमें मार्जिन रहेगा हमारा। तो अब हम इसमें आसन का मार्क लगाएंगे। आसन मैं यहाँ पर 13 इंची लगा रही हूँ, लेकिन इसमें से हम 2 इंची कम कर देंगे, तो यहाँ पर मैं 11 इंची पर आसन का मार्क लगा दूंगी, क्योंकि इसमें हम 2 इंची का जो बेल्ट है अलग से ज्वाइंट करेंगे, तो 2 इंची इसमें प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 2 इंची तो 13 इंची आ जाएगा। आसन लगभग 13 इंची के समथिंग हमें ले लेना चाहिए। 13 इंची का आसन होता है वो सही होता है, हेल्दी है, तो उसके लिए हम आसन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 इंची से 1.5 इंची और हम आसन की लंबाई बढ़ा लेते हैं, यानी 14 साढ़े 14 इंची तक हम आसन को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मीडियम साइज है, तो मैंने यहाँ पर 13 इंची का आसन रखा है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधा कर देंगे। अब 2 इंची हम आगे की क्रॉच एरिया का मार्क लगाएंगे, तो इसी तरफ की साइड हम 2 इंची और बढ़ा देंगे। इसके बाद क्रॉच पर 1 इंची का तिरछा मार्क करेंगे, राउंड कर देंगे। अब 1 से 1.5 इंची और हम एक्स्ट्रा आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से लूजिंग के लिए। अब हम थाई का नाप लगाएंगे, 20 इंची है। अब 20 का हाफ ले लेंगे हम, तो हाफ यहाँ पर ये 10 पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम 1 से 1.5-2 इंची की लूजिंग ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर 1 इंची की लूजिंग ले रही हूँ। आप अगर हेल्दी हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लें। अब इस पॉइंट को क्रॉच वाले एरिए से मिला देंगे इस तरीके से, तो ये हमारी नाप लग के तैयार हो गई। अब हम 1-1 इंची की और इसमें लूजिंग मार्क ले लेंगे, पॉइंट से इस पॉइंट को इसको मिला देंगे। क्योंकि जब हम सिंगल नेकर बनाते हैं, यानी अपर पार्ट बनाते हैं, तो उसको हम फिटिंग में बना लेते हैं, लेकिन ये गरारे का अपर पार्ट है, तो इसमें जितनी आप लूजिंग दोगे अच्छी रहेगी और कंफर्टेबल फील होगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा और लूजिंग में लिया है। अब हम इनको यहाँ से कटिंग कर देंगे, अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे, अस्तर को रख के मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और सेम तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है, तो इस तरीके से हमारे मेन और अस्तर दोनों कट के तैयार हो गए। अब इन्हें हम एक दूसरे के ऊपर रख के एक साथ सेट कर देते हैं। देखिए नीचे अस्तर और ऊपर मेन फैब्रिक मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है, और इस दोनों पार्टों को मैंने इसी तरह सेट कर दिया है। अब पहले हम इन पर कच्ची सिलाई करके इन्हें सेट कर लेंगे, या फिर आप इन पर पिन लगा कर भी इन्हें सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। नेट भी वाइट कलर की है, तो आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम जो क्रॉच एरिया है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों पार्टों को मिलाएंगे और इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। 2 पॉइंट छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आसन को ज्वाइन किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
जो क्रॉच वाला एरिया है उसे हम इसी तरह ओपन छोड़ देंगे अभी, क्योंकि अभी हमें घेरा अटैच करना है यहाँ पर। अभी इसमें रह गया है इलास्टिक लगाने का काम, तो इलास्टिक लगाना मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। मैंने इलास्टिक लगाना बताया है आपको, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं इलास्टिक लगाना। तो यहाँ पे इलास्टिक का मेजर मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी हमारी कमर है उससे आपको 3 इंची या 4 इंची छोटी इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक लगा के मिलती हूँ आपसे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक को लगा लिया है नॉर्मली। अब यहाँ पर बात आती है घेरे की, अब हमें अटैच करना है घेरा। 20 इंची हमारी तैयार नाप है और 20 से हमें 2 इंची का मैंने इसमें मार्जिन लिया है, क्योंकि थाई हमें बिल्कुल फिटिंग नहीं रखनी, 1 या 2 इंची हमें लूजिंग रखनी है, तो मैंने यहाँ पर लूजिंग रखी है इस तरीके से। अब मैं घेरे को बताती हूँ जो कि मैंने पहले से ही कटिंग करके तैयार कर रखा है इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर सर्किल में घेरा जोड़ूंगी, जो अम्ब्रेला कट का सर्किल होता है इस तरीके से, तो मैंने इसे कट कर लिया है। ये नेट है और ये इसका अस्तर है, दोनों को मैंने कट कर लिया है। ये एक पैर का है, दूसरा पैर का भी हमने कट कर लिया है। जो सीधी पट्टी की हम सिंगल लेयर लेते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है गरारा, उसमें हम फ्रिल गेदर्स डाल के उसे अटैच कर देते हैं अपर पार्ट से, और उसमें हम 3 पट्टी भी ले सकते हैं, 3 पट्टी लेयर लेके उसमें भी गेदर डाल के हम 3 लेयर का भी बना सकते हैं। गरारे को हम 2 डिजाइन में बना सकते हैं, तो अम्ब्रेला कट में और एक सीधी पट्टियां काट के। अपर पार्ट में ज्वाइंट करना बताऊंगी, तो इस तरीके से हम अस्तर को इसमें पहले अटैच कर लेंगे। अब मैंने देखिए यहाँ पर इसमें पहले अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है, और इसको जैसे हम अम्ब्रेला कट की कटिंग करते हैं, मैंने कई बार बताया है कटिंग करके, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ड्राफ्टिंग के लिए पेपर पर कटिंग करके बता देती हूँ कि इस वीडियो को मैंने किस तरीके से कट किया था। तो देखिए जैसे कि मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ कट करके, ये मैं पेपर ले लिया, आप इसी को कपड़ा मान लीजिए, मैं सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, अब हम इस कॉर्नर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे ट्राइंगल में इस तरीके से, और जो फोल्डेड एरिया है वो हमारी तरफ रहेगा, जो ओपन एरिया है वो इधर की साइड रहेगा। सिंपली हमें क्या करना है, ये 4 लेयर में हो गया, अब 4 लेयर को जो हमारा सिंगल आगे का जो एक पोर्शन है उसके हिसाब से इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो यानी थाई का जो हमारा एक पैर का जो नाप आ रहा है वो मैंने 20 इंची लिया है, और 20 के बाद में उसमें मैंने 2 इंची का मार्जिन लिया है, तो 22 इंची हो गया। जो हमारी नाप है उसको 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें 5.5 की नाप लगानी है, ये हमारा 5.5 हो गया। अब हमें दोनों कॉर्नर भी नापने हैं, आर्क लगाते वक्त कॉर्नर ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम कॉर्नर को नापेंगे। तो एक कॉर्नर हमारा 7 इंची का आ रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, तो ये कॉर्नर भी हमें सेट करने हैं। तो हमारा एक इधर यहाँ पर मार्क आएगा, अब फिर से हमें ये मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे, ये हमने 22 का 4th भाग निकाला है, 4th के हिसाब से कटिंग करिए। ये हमारे एक पैर की लेयर तैयार हुई है अम्ब्रेला कट में। अब जो भी आपकी लेंथ है आप उसे उस लेंथ के हिसाब से, ये तो पेपर है, पेपर छोटा है इसलिए, अब आपकी जो भी कपड़े की लेंथ है आप उस पर जो हमारा अपर पार्ट है उसको लेस करके घेरे की मार्किंग लगा लेनी है। जैसे कि अपर पार्ट को यहाँ से हमने 40 में से 15 इंची का हमारा अपर पार्ट बना के तैयार किया हमने, और फिर 40 में से 15 हम लेस कर देंगे तो हमारा 25 इंच बचा। यहाँ से हम 25 इंची पर मार्किंग कर देंगे और एक सर्किल में मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम घेरे की भी कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से हमारे ये कट के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि इसमें मेरी थोड़ी गोलाई आ गई है, हमें गोल नहीं कट करना है, यहाँ पर हल्का सा सीधे में कट करना है, क्योंकि ये लहंगा नहीं है, ये हमें अपर पार्ट में ज्वाइंट करना है, तो इसलिए यहाँ से हम थोड़ा सीधा रखेंगे। तो इस तरीके से हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेम बराबर नाप आ जाएगी, जो हमारा अपर पार्ट का थाई वाला हिस्सा है उस पर बिल्कुल बराबर बैठेगी। देखिए मेरी यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रही है, जो यहाँ पर हम लेस लगाएंगे थाई पर वो इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे, और नीचे की साइड से हम इसे ओवर स्टिच करते हुए इसे अटैच कर देंगे, और उसके बाद में फिर हम ये वाला घेरे को ज्वाइंट करेंगे। एक मेन फैब्रिक को ऊपर रखा, नीचे लाइनिंग रखा, और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, और नीचे इस पर मैंने घेरे में इस तरीके की गोटा पत्ती वाली लेस होती है वो लगाई है। नीचे जो बॉटम पे मैंने इसमें समोसा लेस लगाई है, इस तरीके से ये हमारा एक पैर का घेरा है,
अब हम इसे अटैच करना बताएंगे आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें अपर पार्ट का जो थाई वाला बॉटम भाग है उसका हम यहाँ पर फोर्थ भाग करके घेरे को कट किया था। तो देखिए बिल्कुल बराबर में आएगा। ये देखिए अपर पार्ट का एक पैर का यहाँ पर मैंने इसको फैला लिया है, दूसरा हमने घेरे को फैला लिया है। देखिए बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल बराबर नाप आ रही है हमारी यहाँ पर। अब हम इसे ज्वाइंट करना है। अब हम क्या करेंगे, अपर पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको पिन से अटैच करके बता देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। ये हम एक पैर का लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे मैं पिन लगाइए वैसे ही हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से सिल के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिल दिया है। इसी तरह हम दूसरे वाले पैर की भी घेरे को जोड़ लेंगे। यहाँ पर अपर पार्ट के बॉटम पर हम घेरे को जोड़ देंगे। देखिए दोनों घेरे को मैंने अपर पार्ट से ज्वाइंट कर दिया है। सिंगल लेयर में ही हमने इस घेरे को लिया था और कितना काफी घेर है इसमें आप देख रहे होंगे। अब हम इसी तरह से थ्री लेयर भी कर सकते हैं इसको। अम्ब्रेला कट में भी सिंगल लेयर में भी बहुत अच्छा लगता है गरारा। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से समोसे वाले लेस है इसको ऊपर से यहाँ पर अटैच कर दूंगी दोनों पैर पे। इस तरीके से हमारी और भी अच्छी इसकी लुकिंग आएगी। और आप चाहो तो यहाँ पर ये वाली लेस और बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे इतनी लगाई है। अब यहाँ पर ये दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। अस्तर को अस्तर के साथ करेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। इसको उल्टा कर लेंगे हम। इस तरीके से ये गरारा बन के तैयार हो गया है। ये सिंगल लेयर में अम्ब्रेला कट में फिर भी इतना सुंदर लग रहा है और पहनने पर तो इसकी और भी अच्छी लुकिंग आएगी। आप भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।